कांग्रेसियों ने उनको एक ऐसा शिकार करके और जेल में डाल दिया। चौधरी अभय सिंह जी ने वो बीड़ा उठा लिया। किसानों के लिए चौधरी अभय सिंह जी ने भी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हमें बड़ी खुशी हुई। अब क्या हुआ, छोटे जो बच्चे थे इन्हों को नारे दे दिए, किसी कांग्रेसियों ने दिए या किसी ने भी दिए नौजवानों ने कि भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। इन बच्चों ने क्या किया, कुर्सी के लोभ में आकर के अपने दादाजी को भी दाव पे लगा दिया और अपने चाचा जी को भी दाव पे लगा दिया। ये नहीं सोचा कि किसान का भला कैसे हो सकता है, ये तो कुर्सी के लोभ में आ गए। किसान का भला तो ओम प्रकाश चौटाला जी कर सकते हैं या फिर अभय चौटाला जिनके पीछे कर्ज में चल रहे। हमें विश्वास है कि अभय चौटाला जी जो है वो किसान ही थे, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जींद में क्या रहेगी उपचुनाव? जींद के अंदर देख लाना जी, आपके सामने बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो ये उम्मीदवार है ये बहुत भारी वोटों जीत के निकलेगा आपके सामने। और इनको पता चल जाएगा बच्चों को कि किसान की ताकत जो है और मजदूर की ताकत ओम प्रकाश चौटाला जी को भी पता है। रैली तो बहुत बड़ी करी थी इन्होंने। रैली थी वो बीजेपी वालों का हाथ था। अब इन बच्चों का मनोबल बनाओ और जब इन बच्चों का उन्होंने मनोबल बढ़ा दिया, ज्यादा ज्यादा आदमी चले गए तो इन्होंने सोचा कि हरियाणा की जनता तुम्हारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है।